है कि इस प्रोग्राम के लायक आदाब इस्लाम 14 अगस्त की मुरासबत से अजीज पाकिस्तान का क्याम और इसके मकासद और ये अल्लाह इज्जत का कितना बड़ा इनाम है, इसके एक मानी पहलू है। इन हवालों से कुछ मरूजात आप लाख की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। वाहिद अल्लाह करीम मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात सरकार अपने वतन से मोहब्बत करना ये तो हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन कुरान सुन्नत में अगर आप गौर करें तो पता चलता है रुकन वतन मिला ईमान, वतन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर वतन ऐसे मुकदस पाकिस्तान की सूरत में हो, ये प्यारा वतन हो, तो फिर इससे और ज्यादा प्यार करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा मुल्क महज पिता जमीन नहीं है, ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो अज़ीम मुकदस है जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक बसते हैं, हुज़ूर के गुलाम बसते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले यहां बसते हैं। सारी दुनिया के मुसलमानों की एक अपनी शान है, मुसलमान जहां कहीं भी हो वो बड़ा काबिले एहतराम काबिले ताज़ीम है। लेकिन अल्लाह इज़्ज़त ने इस तरह की मोहब्बत इस खिते के लोगों के दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाली है, ये इस खिते का ही हिस्सा है। ये हमारी कुछ नसीबी है कि हमें वो वतन मिला जो महज 7 साल तारीख का नतीजा नहीं, कराकारे पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को लाहौर में पेश हुई और उसके 7 साल बाद पाकिस्तान बन गया, ये उस 7 सालों का नतीजा नहीं। आप इसकी गहराई में जाएं कि पहले इस खिते में कौन थे, यहाँ कसीर तादाद में हिंदू बसते थे, फिर किसने उनको मुसलमान किया, दाता अली हुवेरी रहमतुल्लाह ताला 4वीं-5वीं सदी हिजरी में यहाँ डेरा लगाते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ लाते हैं सदियां कबल, हजरत ख्वाजा अजमेरी तशरीफ लाते हैं और या अल्लाह का ये इतना मस्कर बन, और उन्होंने लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम, और जब मुसलमानों की तादाद सूफिया की तलीबा की वजह से, उनकी तबलीग की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से इस खिते में बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैल गई, तो फिर जरूरत महसूस हुई कि आप इस खिते के लोगों को एक अलग वतन भी हासिल होना चाहिए। यहाँ के मुसलमानों के मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दाता साहब की मेहनत का नतीजा है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ख्वाजा साहब की मेहनत है, हजूर बाबा साहब की मेहनत का नतीजा है, हजूर सुल्तान और आज भी सुल्तान बहू की मेहनत का नतीजा है। अजूदन हिंदुओं की बस्ती थी जिसको पाक पतन बना दिया,
इन बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए पहले बीज बोए, ये फसल रातों रात तैयार नहीं हुई, बल्कि ये बीज बोते रहे और अपने अखलाक किरदार और अमल का पानी भी उसको देते रहे। और फिर ये एक दो बुजुर्गों की काविश नहीं, बुजुर्गान दीन की काविशों का एक तसलसल, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर आखिर इस बड़े शरीर के खिते में 1000 साल तकरीबन मुसलमानों की हुकूमत भी है, यहाँ मुसलमान दरअसल इक्तदार भी रहे। फिर उसके नतीजे में जब गफलत आई, जब कोताहियां हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई ये दस्तूर है कि जो कौम अपने मकसद से गाफिल हो जाए उस कौम को हटाकर उसकी जगह पे नए लोग लाए जाते। फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेज के आने के बाद फिर मुस्लिम कौम की ये खसूसियत तो बहरहाल है कि कौम मुस्लिम गुलामी में ज्यादा देर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि हमारा कुरान पाक जो है इसकी तालीमात ही यही है कि गुलामी का खात्मा, अंग्रेज की गुलामी का खात्मा ये जरूरी था। और इस सिलसिला में हकीम उल उम्मत फिलसूफ इस्लाम कलंदर लाहौरी अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को आप पढ़ें जो कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। अलामा साहब मुसव्विर पाकिस्तान और शहर बशरे हैं, मुफक्किर पाकिस्तान हजरत अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा अपने अंग्रेज प्रोफेसर के पास बैठे थे और उन्होंने सवाल किया, अलामा साहब क्या आपका ये दावा है कि जिंदगी गुजारने के लिए हर तरह की तालीमात कुरान पाक में मौजूद है? अलामा साहब ने फरमाया कि बिल्कुल ये हमारा दावा है, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर कोई तालीमात नहीं दी गई। अब वो बड़ा खुश होने लगा कि कोई तो ऐसी बात निकली है जो कमजोरी होगी, लेकिन जब अलामा साहब ने जवाब दिया तो वो कमजोरी नहीं थी, वो तो इस्लाम की खूबी। उन्होंने कहा कि एक चीज है और वो ये है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर गुलामी के लम्हात आ जाए, उसने गुलामी की जिंदगी कैसे बर्दाश्त करके गुजार लेनी है, इस बारे में कुरान और सुन्नत की कोई तालीमात नहीं है। अगर तालीमात है तो यही है कि जो भी लम्हा गुलामी का जिंदगी में आए वो उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए सर्व कर, वो उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के खिलाफ जी तो जो उसने सर्व किया, लेकिन गुलामी को कबूल न किया। हजरत इकबाल फरमाते हैं, सुन ऐ तहजीब हाजर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है भी, गुलामी को तो कहीं भी जो है वो पसंद नहीं किया गया, ना इस्लाम में, ना इकबाल की तालीमात में, ना हमारे कैद की तालीमात में। तो अंग्रेज की गुलामी को हम कैसे कबूल कर सकते? हमारे बुजुर्ग उठे, असलाफ उठे, उन्होंने कोशिश की और फिर एक ऐसी हस्ती का इंतखाब हुआ। मैं ये समझता हूं कि वो इंतखाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब। कहते आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह महज एक वकील नहीं थे, कौम मुस्लिम का मुकदमा लड़ने वाले ये वो वकील थे जिनका इंतखाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद, हमारे बहुत सारे रूहानी बुजुर्ग, सहबे कश बुजुर्ग, सहबे मार्फत बुजुर्ग, उनके अकवाल मौजूद हैं, बहुत सारे रूहानी पहलू मौजूद हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग़ गुलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक इंटरव्यू ज़ाह हरम में भी छपा और रसायल में भी छपा कि बाबू जी साहब
रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दिल में ये बात थी कि कैद आजम का हमें साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहरन कैद आजम की वजह कता जो है वो कोई उलमा वाली नहीं थी या मौलाना हजरात वाली नहीं थी, बल्कि उनकी वजह कता तो ये है कि वो पैंट शर्ट पहनते थे, दाढ़ी भी मुंडवाते थे, तो अब जहरी वजह कता के लिहाज से उनको हिचकिचाहट थी। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैल एक शख्स को दे रहे, और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद अली जिन्ना ये मुसलमानों के पाकिस्तान हासिल करने के मुकदमा की फैल है जो हम तुम्हें दे रहे। फरमाते उस दिन के बाद बाबू जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को शरे सदर नसीब, और उसके बाद उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, क्योंकि उनको मालूम हो चुका था कि ये कैद आजम की ड्यूटी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब देवबंद मकतबा फिकर से ताल्लुक रखते थे, और बहुत सारे आप लोगों को मालूम होगा कि देवबंद के बड़े कद आवर उलमा उस वक्त कैद आजम के मुखालिफ थे, और यूनिटरी पार्टी जो है वो उसके साथ कर रहे थे, गोया कि वो पाकिस्तान के क्याम के मुखालिफ थे। कांग्रेस के अंदर कुछ थे मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे लोग, और कुछ यूनिटरी पार्टी में थे, और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो उनको ताने के तौर पर कहते थे कि ये कांग्रेसी उलमा है, ये कांग्रेसी मुल्ला है। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी अपने उलमा को छोड़कर क्या हमें पाकिस्तान के सिलसिला में कैद आजम के साथ आकर खड़े हो। लोगों ने पूछा आपकी जमात उस तरफ है, आपके मदारिस उस तरफ है, मुफ्ती साहबान उस तरफ है, और आप इस तरफ आ गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने कहा मैं आपकी तरफ से नहीं आया, मुझे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कैद आजम का साथ दो, मैं इस बुनियाद पर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का साथ। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया, कैद आजम की निमाज जनाजा भी पढ़ाई। तो दोस्ताने जी का अलगरज एक गवाही नहीं, इस पे मुतअद्दिद शवाहिद मौजूद है। नवाब आफ कलाम उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो तसव्वुफ का शिकार थे कि हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नवाब आफ कलाब के पोते नवाब उमर खान का इंटरव्यू दुनिया न्यूज में मैंने खुद सुना कि मेरे दादा जान मुतसव्वुफ थे कि हमें क्या करना चाहिए, एक तरफ हमें बहुत ज्यादा आफत थी फिदर वजारत से, यूनिटरी पार्टी से, कांग्रेस से, दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ देना था, कैद आजम का साथ देना था। तो कहते कि मेरे दादा जान को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नवाब आफ कलाब आपने कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गैर मशहूर साथ दे। कहते मेरे दादा उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारी कोई शरायत ही नहीं है, हम गैर मशहूर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का साथ। तो दोस्तों और भाइयों, ये इतनी गवाहियां ये तो चंद मैंने जिक्र की है, वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो के लिए और बिलखसूस अपने जो हमारे नौजवान भाई यहाँ सोशल मीडिया इंटरनेट से जिनका रब्ता है उनकी तवज्जो के लिए, उनकी आसानी के लिए मैं कह देता हूँ कि आप मुबशिरात पाकिस्तान एक बुक है अलहाज ज़हूरुल हसन कादरी साहब, वो किताब आप पढ़ें, उसमें उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ शख्सियात को जो पाकिस्तान बनाने में कोई रोल अदा कर सकती थी उनको जो इशारा अता फरमाई, तो वो किताब बनी, और वो एक किसी आलम की नहीं या किसी एक मकतबा फिक्र के आलम की नहीं, उसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग हैं, उलमा हैं, सियासतदान हैं, मुख्तलिफ रियासतों के वाली हैं, उनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जो अहकाम फरमाए वो पूरी एक किताब छप चुकी, मुबशिरात पाकिस्तान अलहाज ज़हूरुल हसन कादरी साहब, आप नेट से उसको तलाश करें तो वो मिल जाती है। इसी तरह
कि हमने पाकिस्तान के रूहानी पहलू और कैद आजम की जिंदगी के रूहानी पहलू, इसी बात को आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको दर्जनों मलामी और किताबें मिलेंगी इसके ऊपर कि क्या मैं पाकिस्तान के रूहानी पहलू क्या, इसके ऊपर आपको मवाद मिलेगा, सैकड़ों सफा आपका मवाद है, आप पढ़े। यानी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक आध वाक्य के बारे में तो ये बात हो सकती है कि ये किसी ने ढाल लिया, झूठ बोल दिया, अपनी तरफ से बना लिया, लेकिन किताबें सैकड़ों सफात, सैकड़ों वाक्यात और दर्जनों सैकड़ों शख्सियात के साथ इस तरह के मामलात, खाबे, इशारात, ये चीजें ये इस बात के ऊपर गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान का क्याम जब अमल में आया तो ये महज एक वाकया नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रूहानी पहलू मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें इन आयत में, इस वजह से ये अर्ज़े वतन जो है ये वजूद के अंदर आए। फिर एक दो चीजें जो आप आसानी से समझ सकते हैं, मैं आप सब की तरफ उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कब क्या में पाकिस्तान अमल में आया। सारे लोगों को अंग्रेजी की तारीख तो मालूम है कि 14 अगस्त 1947, लेकिन क्या आपको पता है कि कमरी महीना कौन सा था और वो दिन कौन सा था, वो रात कौन सी थी? तो दोस्ताने दिवकार वो 27 रमजान मुबारक और शबे जुमा, 27वीं रमजान मुबारक जुमा तो विदा था और 1366 हिजरी में रमजान मुबारक का क्या हुआ। अब आप गौर करें कि शबे कदर, 27वीं रमजान मुबारक की रात और दिन आगे जुमा तो विदा और उसमें क्या में पाकिस्तान का वजूद में आना, क्या ये महज इत्तेफाक था? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक खास इंतजाम था और इसमें एक खास पैगाम भी था कि नज़ूले कुरान की रात, ये पाकिस्तान का क़याम इस बात का नतीजा है कि अब इस मुल्क के लिए जो आईन होगा, जो इस मुल्क का कानून होगा वो कुरान मजीद। अब ये हमें बताया गया, हमें ये पैगाम दिया गया कुदरत की तरफ से, लेकिन कौम ने इस बात को समझा नहीं। बाबाए कौम कह रहे हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह से तो एक साहबी ने सवाल किया कि आप मुल्क अगर बना लेंगे तो इसमें आईन कौन सा नाफिज करेंगे, कौन सा आईन इसमें चलेगा, कोई आईन बनाने के लिए आपने काम किया है? तो बाबाए कौम ने जवाब दिया कि हमारा आईन तो 14 सदियां कबल बन चुका है। बड़े वाशिदाफ अल्फाज में आपका ये फरमान मौजूद है, बड़े वाशि लफ्जों में, कि हमारा आइन तो 14 सदियां कबल बन चुका है, इस मुल्क का कोई और आइन नहीं होगा, इस मुल्क का आइन कुरान पाक। ये हमारे बाबाए कौम कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुरान मजीद से इस मुल्क को दूर कर हर सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुरान और सुन्नत के सिलसिले में इस मुल्क में जो सरकारी सतह पे हमें जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं, रियासती सतह पे जो इसके लिए इहतमाम और इंतज़ाम नज़र आने चाहिए थे वो हमें नज़र नहीं आ। और फिर एक बड़ा मशहूर नारा जो सियालकोट के शायर असगर अली सौदाई साहब, उन्होंने एक नज़म लिखी और उसका वो एक मिसरा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये नज़म कैद आजम के सामने जलसा में पढ़ी गई और उसके बाद जब ये नारा ज़बाने ज़लेआम हुआ, हर खास आम ये नारा लगाता था, गली कूचों में बच्चे लगाते थे, जलसों में लगता था, तो फिर इसके असरात देखकर और कौम के अंदर जो इस नारे की वजह से जलवा पैदा हुआ वो देखकर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया कि ये तहरीके पाकिस्तान जो है इसकी कामयाबी 25% असगर अली सौदाई साहब की वजह से हो चुकी, कामयाबी तो इसी नारे की वजह से हो चुकी, क्योंकि ये नारा पूरी कौम को मुतहद करने वाला नारा है। मुसलमान थे यहाँ पे और इस नारे से मोहब्बत करते थे, कलमा तैयबा बुनियाद है इस मुल्क की। दोस्ताने ज़िक्र, फिर इसका एक पूरा मिसरा तो ये बनता था कि दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद इलाह इल्लल्लाह की बुनियादों पे ये मुल्क हासिल किया जाएगा और इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज, इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो दस्तूर दिया
जो तरीका दिया, जो मुल्क चलाने का एहतमाम किया, उसके जरिए से ये मुल्क चलाया। लेकिन अफसोस ये है कि इस बात की नाकदरी की, इस पैगाम को नहीं समझा गया, इसके रूहानी पहलुओं के सामने होते हुए भी इन चीजों को नजरअंदाज किया। और फिर एक और बात भी सुन, इशफाक अहमद साहब मरहूम फरमाया करते थे कि ये पाकिस्तान ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह का मोजा। अब उस मोजे की क्या सूरत हालत, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के जमाना में लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये मोजा अता फरमाया, तो उन्होंने पत्थर से जिंदा ऊंटनी बरामद किया। एक बड़ा मोजा था, लेकिन कौम ने क्या किया, कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे और पूंछे काट दी। जब उन्होंने उस मोजा की नाकदरी की, तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम के ऊपर अजाब नाज़िल किया। इशफाक अहमद साहब इसमें ये पैगाम देना चाहते थे कि ये पाकिस्तान भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह का एक मोजा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर तुम इसकी नाकदरी करोगे और इसके साथ वही सलूक करोगे जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी ऊंटनी के साथ किया था, तो फिर इसके नतीजे में अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल होगा। और यकीन जानिए, आज जिन हालात से मुल्क दोचार है, जो मायूसी की एक फजा अब चेहरों पे नजर आती है, ये हकीकत है कि जब कौम के ऊपर महंगाई का बम तोड़ दिया जाए और जब बिजली के बिल इतनी बड़ी तादाद में आए और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाए और कोई चू चला भी न करे, एहतजाज भी न करे, तो इसका मतलब यह कि कौम तो मायूस हो चुकी है। किसके सामने हम एहतजाज करें, किसको हम बताएं कि लोग, गरीब लोग गुरबत की चक्की में पिस चुके हैं, अब एहतजाज भी कोई नहीं करता। तो ये सूरत हाल इस मुल्क के लिए कहीं भी खुशकुन नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर इस मुल्क को इसका हकीकी मकसद पहले दिन से मिल जाता और इसमें कुरान और सुन्नत का नफाज हो जाता, तो आज हमें ये बदतरीन हालात देखने को ना मिलते। आप दुनिया के सारे निजाम उनको बेशक यहाँ तजर्बा कर लें, हालांकि बहुत सारा होंगे कर चुके हैं आप, कौन सा ऐसा निजाम है जिसका तजर्बा आपने नहीं किया और उसका नतीजा आपके सामने है। हम ये कहते हैं कि एक मरतबा यहाँ कुरान और सुन्नत को भी आजमा कर देना, फिर उसकी बरकत भी देखना, फिर उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो करम होंगे वो भी आप देखें। ये तो गैरों के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे हैं कि कुरान और सुन्नत आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, सदियों से जिन्होंने भी कुरान और सुन्नत के साथ लॉ लगाई, कुरान और सुन्नत को बतौर आईन माना, दस्तूर माना, उनकी तारीख आप उठाकर देख लें, मुसलमान उस वक्त पावर बनते गए, कुव्वत बनते गए, और कुरान और सुन्नत से जितना दूर हुए उसके नतीजे में मुसलमानों को ये दिल दे गए। तो अर्ज़ वतन पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है, आप इसकी कदर करें इस मुल्क की। यकीन जानिए, आप कभी कश्मीर के अंदर जाकर देखेंगे क्या सुनते हैं, आप फलस्तीन के मुसलमानों को देखें, इस मरतबा भी जब 27वीं रमजानुल मुबारक हो रही थी तो उस वक्त फलस्तीन के अंदर जो है मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज दाखिल हो, कितने लोगों को उन्होंने वहां पे शहीद कर दिया, गोलियां बरसा दी, क्या हो, इबादत को नहीं कर सके। हालांकि वहां 27वीं रमजानुल मुबारक को वहां उनका मकसद क्या था कि अल्लाह के हुजूर मस्जिद अक्सा में हाजिर होकर इबादत कर, वो नहीं करने दी गई। बर्मा के मुसलमानों को आप देख लें, वो बेयारो मददगार खेल रहे होते हैं, कोई मुल्क उनको कहीं धकेल देता है, कोई मुल्क उनको कहीं धकेल देता है। आज हम आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है और ये कितना बड़ा अल्लाह पाक का फजल करम है, उसने हमें एक ऐसा मुल्क दिया, इसमें हमारे हुक्मरानों को भी और इस मुल्क की आवाम को भी और हम सबको चाहिए कि हम इस वतन अजीज की कदर करें। और इसकी कदर यही है कि हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करें, इस मुल्क के अंदर अदल होना चाहिए,
कहते हैं हजरत मौला अली करम अल्लाह वजू से मंसूब एक फरमान है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जहां अदल नहीं, इंसाफ नहीं, तो वो निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। इस मुल्क को अदल की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह करीम इस अर्ज़ वतन को ताक़यामे क़यामत आबाद शाद रखे, सदा सलामत पाकिस्तान, ताक़यामत पाकिस्तान।